सब कैसे हैं? आज फूड बाय मैंने मोजरेला चीज़ बनाएंगे हम दो इंग्रेडिएंट्स आराम से मोजरेला चीज़ घर पे बना लेंगे बिल्कुल बाहर जैसी। तो उसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिए फुल क्रीम जो होता है नॉर्मली रॉ मिल्क है, लेकिन हम इसे बॉयल नहीं करेंगे। और ये 1/4 कप विनेगर है। मिल्क जो है आपको उबालना नहीं है, बॉयल नहीं करना है, आपको सिर्फ नीम गर्म लेना है कि जब आप उंगली डालें तो ये बर्दाश्त बियरेबल हो सही। तो आपको फिर ग्रेजुअली और आपको जब गर्म करते हुए खिलाते रहना चम्मच ताकि कोई मलाई कहीं जमे ना। फिर हम ग्रेजुअली ये वाइट विनेगर डालेंगे, खिलाते भी रहेंगे साथ में, ग्रेजुअली डालना है। ग्रेजुअली डालिएगा वाइट विनेगर, एक साथ डालेंगे तो फिर में फ्रेश नहीं आएगा, क्योंकि हम मोजरेला चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हमें फ्रेश ही चाहिए सर। ग्रेजुअली डालते रहेंगे और इतना सा हमने डाला है और अभी थोड़ी सी चीज़ बन गई है, देखें इसमें से स्ट्रेच आएगा, अगर आप ग्रेजुअली डालेंगे तो उसमें स्ट्रेच आएगा। यही किए मोजरेला को सही बना देते हैं, अब चीज़ बनना शुरू हो गई है, थोड़ा सा बचे विनेगर हम वो भी डाल देते हैं, अलग हो जाएगी चीज़ और पानी, तो फिर हम इसे स्ट्रेन कर देंगे। ये पानी और ये चीज़ बिल्कुल सेपरेट हो गई, तो हम स्ट्रेन कर लेते हैं इस पॉइंट पे, बिल्कुल अलग हो गई, अब इससे मदी चीज़ तो नहीं बन सकती। अब हमने बड़ा सा बोल लिया है, उसमें हम स्ट्रेनर रखेंगे, और आप कोई सा भी मलमल का या कॉटन का कपड़ा ले लिया, हमें साफ कपड़ा लीजिएगा, हम ये स्ट्रेन कर लेंगे पूरा, स्ट्रेन कर दे पानी और ताकि वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। डोट हटा दिए क्योंकि उससे बारीक बारीक जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेन ऑफ हो गए, तो अब हम स्ट्रेन से भी कर सकते हैं क्योंकि अब पार्टिकल बचे नहीं। हम क्लोथ में दोबारा भी डाल के कर सकते हैं ताकि एक्सेस वाटर इसमें से निकल जाए। अब हमने ये चीज़ को क्लोथ में दोबारा डाली ताकि हम इसमें से एक्सेस वाटर स्ट्रेन ऑफ कर लें, क्योंकि वो ईजीली हो जाएगा। हमने स्ट्रेनर हटा दिए, ये जो पानी है इसको आप ज़ाया मत कीजिएगा, ये बहुत ही इसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब फेंकिएगा नहीं। आप पुलाव की यखनी में भी डाल दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, लेकिन फेंकिएगा नहीं, इसके अंदर बहुत न्यूट्रिशंस हैं। आप तब तक इसको स्ट्रेन ऑफ करते रहें तब तक के पूरा पानी अच्छी तरीके से निकल ना जाए, अभी भी निकल रहा है, फिर उसको अलग कीजिएगा क्लॉथ से। क्लॉथ में स्क्वीजिंग के बाद जो हमने निचोड़ा था उसके बाद हम उसको रख देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सारा तो निकल नहीं सकता, तो हम अच्छा खासा निकालने के बाद फिर तो उसके हम बड़े से बॉल में गर्म पानी लेके दोबारा से इसमें से पानी स्क्वीज आउट करेंगे। अब यहाँ मैंने बड़े से बॉल में नीम गर्म पानी रख दिया, वो हम चीज़ उसमें डाल देंगे। अब हम अपने हाथों से इसे निकाल देंगे, देखिए स्ट्रेच अभी से आ गया है, हमें इसको असल में खोल खोल करना है, फिर डिप करना है वाटर में ताकि पानी वो निकल जाए, फिर स्क्वीज करना है। बेसिकली हमें इसमें से पानी निकालना है, तो हम बार बार यही करते रहेंगे, प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। जितना आप प्रोसेस को रिपीट करेंगे उतना आपकी चीज़ में स्ट्रेस अच्छा आएगा और उतनी अच्छी मोजरेला चीज़ बनेगी। तो हमने अच्छा खासा पानी इसको इसमें से निकाल लिया, तो हम एक दो मिनट के लिए गर्म पानी में इसको रहने देंगे। अब मैंने ये ठंडा पानी लिया, दोबारा डिप करेंगे और फिर वही प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो हमें अच्छा सा पानी इसमें से निकालना है क्योंकि हमें अच्छा सा स्ट्रेच इसमें से लाना है। तो ये आप मोजरेला चीज़ पिज्ज़ा में यूज़ होती है और बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, इसमें स्ट्रेचिंग चीज़ होती है। अब तो हमने ये निकाल लिए इसके अंदर पानी से, क्योंकि पानी का काम ख़त्म हुआ, हम स्ट्रेनर डालेंगे, स्ट्रेनर पे थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे, अब देखेंगे पानी नहीं निकलना। अब इस पॉइंट पे जब पानी नहीं निकल रहा इसमें से, देखिए पानी बहुत कम निकल रहा, तो निकल ही नहीं रहा, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, प्लास्टिक रैप ले लेंगे या कोई क्लॉथ में इसको शेप दे देंगे। तो हमने शेप दे दी, तो ये गोल शेप हो गई। अब इसको हम थोड़ी देर 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखेंगे, किसी भी कंटेनर में रख लें, फिर उसके बाद हम आपको ग्रेट करके दिखाएंगे और स्ट्रेच देखिएगा। तो ये देखें, हमने 2 से 3 घंटे के बाद इसे फ्रिज से निकाल लिया है,
तो ये ऐसा रिजल्ट आया। आप अच्छे रिजल्ट के लिए इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में। अब हम इसे ग्रेट करेंगे। इस टाइप का आप ग्रेटर लीजिएगा जो छोटा हो, बड़ा ग्रेटर मत लीजिएगा, तो चीज अच्छे से श्रेड होगी। फिर तो ये देखें हमारी कितनी अच्छी श्रेड हुई है चीज। हम इस चीज़ के इस्तेमाल अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि हम पिज्जा बनाने वाले हैं, तो उसमें आप देखिएगा किस तरीके से ये चीज़ स्ट्रेच होगी, किस तरीके से स्ट्रेच आता है और कितनी अच्छी बनेगी।